होप्स अच्छे ही होंगे यार, कभी हमारा भी हाल चाल पूछ ही देगा। आप लोग तो वैसे भी मज़ों में होते हैं। खैर पॉइंट पे आते हैं, आज मैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से लेके भी पार्क आया हूँ कज़न के साथ, अयाज के साथ। और हाँ, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मेरा तो कोई मूड नहीं था, मेरा कहीं और जाने का प्लान था, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस तरह आया हूँ कि ना कोई DSLR कैमरा है, ना ही सेल्फी स्टिक है, ना ही ड्रोन है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हाल ही हाथ आया हूँ। और स्पेशली आपको पता है कि जब आपके पास ये चीज़ें ना हो तो फिर आप एक परफेक्ट ब्लॉग नहीं बना सकते। लेकिन खैर आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक परफेक्ट ब्लॉग बनाऊँ जस्ट फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन से। तो चलिए फिर ज़रा लेकवी पार्क को भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कपल्स वगैरह तो वैसे भी बहुत ही होंगे, ज़रा चेक करते हैं। हमारे पठान भाइयों और बहनों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत पठानों के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। पठान बहुत रिस्पेक्टेबल कौन है, इज्जतदार लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, वो हम लोगों को पता है कि वो हर कास्ट में इस तरह के लोग होते हैं इवन। लेकिन मैं जिधर भी जाता हूँ ना, तो मैं मोस्ट ऐसा देखता हूँ, मैं पठानों को ही देखता हूँ कि वो लोग अपना नाम ज़रूर अपना नाम रोशन कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पे फैमिली वाले आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग डांस वगैरह करते हैं या फिर इस तरह की कोई और हरकत करते हैं, इवन यार बहुत बुरा लगता है। स्पेशली जब आप लोग आपको देखते हैं ना, तो बहुत ऑकवर्ड तरीके से यार लोग आपको देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता यार जब आप पब्लिक प्लेसेस में इस तरह के काम करते हैं। तो मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि वो चाहे वो डांस हो या कोई और काम हो, सर आप खुद भी देख लो यार। ऐसी चीज़ों को अपने ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करता और ना ही मुझे पसंद है ये चीज़ें, लेकिन ऐसी टिक्की जले माचावल लाइक पंजाबियान और गुती माओ आफ पख्तनिस्तान सर। एनीवे यार दैट इट। वैसे पाकिस्तानी लोगों की एक खासियत वो ये है कि जब आप बैक कैमरे से जब आप क्लिप्स वगैरह बनाते हैं या शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह मशकूक नज़रों से देखते हैं जैसे आपका कीमा ही ना बना दे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा कीमा ही ना बना दे सीरियसली, लेकिन मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं जब शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ बैक कैमरा से, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उसमें लेडीज़ और लड़कियाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना आ जाए। लेकिन फिर भी यार जब आप क्लिप्स वगैरह बनाते हैं तो फिर भी आ ही जाती है लड़कियाँ, लेकिन खैर हमारा तो काम ही यही है, क्या करें यार। अच्छा वैसे जहाँ पे राइडिंग जगह है, यानी कि जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं या फिर हॉर्स वगैरह या जो भी है, जहाँ पे जो जगह है वहाँ पे जाने के लिए एक लेडी का होना ज़रूरी है। अब हमारे साथ मतलब लेडी है नहीं, तो अब क्या करें आप, अब लेडी को तो नहीं पकड़ सकते ना कहीं से, तो अब हमारा अंदर जाना कैंसिल। क्या चला रहे हो?
काफ़ी मज़ा आ रहा था ऊपर, यानी कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा फील कर रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि कई वो हैंडल्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कि वो टूट ना जाए। तो खैर बाकी तो मज़ा आया हुआ रहा, लेकिन सर बहुत चकरा रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वैसे शबीहा ने भी टिकट किया था, तो शबीहा कैसा फील कर रही थी तुमको? बहुत मज़ा आया, मज़ा आया वैसे, गुड, बहादुर बच्ची है वैसे। सो ओवरऑल ये था हमारा अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, तो मज़ा काफ़ी आया। तो खैर आज का दिन वैसे अच्छा गुजरा, और होप्स आप लोगों का भी अच्छा ही गुजरा होगा किसी न किसी काम में। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, लव यू एंड पीस।